फ्रेंड्स, हल्दी वाला दूध तो लगभग सभी लोग पीते हैं, खासकर विंटर सीजन में, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, पर इसके नुकसान भी होते हैं। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसके पहले बेनिफिट्स जानते हैं। हल्दी वाला दूध खून से टॉक्सिन्स को दूर करके चेहरे चमकाने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करता है, लीवर को मजबूत बनाता है, मोटापा घटाता है और गठिया की प्रॉब्लम जिसको है वह भी ठीक करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, जिन लेडीज़ को माहवारी में दर्द होता है उस दर्द को दूर करता है, और सर्दी खांसी के लिए तो हल्दी वाला दूध रामबाण साबित होता है। यह वायरल संक्रमण से बचाव करता है, अगर चोट लग गई है तो उसमें भी यह फायदेमंद होता है। कैंसर मरीजों के लिए, हड्डियों के लिए, अच्छी नींद के लिए, दिल के लिए, शारीरिक दर्द के लिए भी हल्दी वाला दूध फायदेमंद होता है। हल्दी वाला दूध सांस की तकलीफ में राहत देता है, पाचन को सही करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आपने देखा ना इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो हमें हल्दी वाले दूध का सेवन तो जरूर करना चाहिए, पर किन लोगों को हल्दी वाला दूध का सेवन नहीं करना चाहिए आगे हम जानते हैं। अगर आप लीवर से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर आपको हल्दी वाले दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। जिनको गॉल ब्लेडर स्टोन की प्रॉब्लम है वह हल्दी वाले दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी हल्दी वाले दूध का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिनको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है वह भी इसका सेवन ना करें। अगर आपको एलर्जी है और वह भी किसी गर्म चीज या गर्म मसाले खाने से, तो ऐसे में आपको हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दूध आपकी एलर्जी को कम करने की जगह और भी बढ़ा सकता है, इसलिए इसके सेवन से दूर ही रहे तो अच्छा है। डायबिटीज के मरीजों को भूलकर भी हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व मौजूद होता है जो ब्लड शुगर को प्रभावित करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप फैमिली प्लानिंग यानी परिवार को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हल्दी वाले दूध का सेवन या तो कम करें या तो बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर देती है, जिससे स्पर्म की सक्रियता में कमी आ जाती है।